पिछले दो दिनों से पानीपत का रेलवे ट्रैक गोवंश के खून से लाल होता जा रहा है, लेकिन कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। दो दिन के अंदर दर्जनों गोवंश ट्रेन के नीचे आने से काल का ग्रास बन चुके हैं। आज फिर से ट्रेन के नीचे आने से लगभग आधा दर्जन गोवंश कट गया। सूचना मिलते ही समाज सेविका सविता आर्य, गोरक्षक सुभाष तथा अन्य गोरक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर गहरा रोष प्रकट करते हुए कहा कि यह प्रशासन की लापरवाही है, जो दावे तो करता है कि कैटल फ्री अभियान चलाकर सभी गायों को, गोवंश को गौशालाओं में भेज दिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद ऐसा लगता है कि गोवंश सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर है और रेलवे ट्रैक पर दम तोड़ रहा है। इतनी संख्या में दो दिन के अंदर गोवंश कटना अपने आप में बड़ी दुखदायी घटना है। समाज सेविका सविता आर्य ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अभियान चलाकर गोवंशों को गौशाला तक पहुंचाया जाए। वहीं गोरक्षक सुभाष ने बताया कि अभियान न मात्र को चलाया गया है, निगम केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। उससे पहले भी एक बार मेरे पास दिखाऊंगी मैं, वो भी वीडियो है कि पहले भी प्रदीप वहां तक भाग गया है, गाय आई आगे से, दो ट्रेन आ रही थी, एक इधर से। और आप ये देखो कि हर रोज़ ये आज का काम नहीं, ये बता रहे पड़ोसी कि हर रोज़ ये हादसा होता रहा। आप ये देखो कीड़े पड़े हुए थे यहाँ पे, बीमारी फैलने का भी खतरा था क्योंकि तीन दिन से गायें हैं उसमें कीड़े पड़े हुए यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये मानो कि ये बीमारी भी तो फैलती है ना। प्रशासन ये कह रहे कि हर गायें पहुँचाती है, तो प्रशासन की लापरवाही। आज भी मीटिंग हुई थी, हमारी मैडम ने बुलाया था, कमिश्नर मैडम ने, हमारी मीटिंग हुई थी तो मैडम ने ये कहा कि कुछ गायें 900 कितनी गायें उन्होंने भेजी हैं नैन गाँव में, और कुछ किसी कारण से वहाँ पे चारे की व्यवस्था नहीं हुई थी तो इसलिए काम रोक दिया था। तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि भाई दो तीन दिन फिर दोबारा काम शुरू होगा और दोबारा फिर गायें हम जो रोड पे हैं या कोई भी है तो उसको दोबारा वहाँ पे महीने के अंदर अंदर हम जितनी भी गायें हैं हम उनको नैन में या कहीं भी एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे फ़ोन कर रखा रेलवे वालों को, पुलिस वालों को, लेकिन रेलवे पुलिस वाले कह रहे थे जी हमारे को नहीं बताया था किसी ने भी, और हमें नहीं पता था, हमें लगा था ये तो पता लगा था कि कोई गायें कटी है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उठाकर उन्होंने वहाँ से वहाँ कर दी। तो अब उन्होंने लिखित में एक दिया था कि भैया इस तरह कोई भी गायें कटती है तो उसको वहाँ दबाने के लिए या उठाने के लिए आगे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक बार आप उनका भी अगर इंटरव्यू लो और उनसे भी पूछो कि ये गाय आप क्या करते हो, ट्रैक से उठा के साइड में डाल देते हो और गायें आती हैं वो मतलब वहाँ के झूम जाती हैं। आप ये देखो कि उनमें ना कितने कीड़े पड़े हुए थे, तो इसमें लापरवाही मानते हो क्योंकि फ्री लापरवाही तो सारी है कि पूरी पानीपत के अंदर ई भाल लगभग 2800 से 3000 गायें रोड पर हैं, और जो प्रशासन कहता है कि 800-900 भेज दी, पानीपत से 800-900 गायें नहीं गई हैं। पानीपत से 18 दिसंबर से अब तक के लेकर के 450 गायें टोटल गौशालाओं में गई हैं, वो एक झूठी आश्वासन दे रहे हैं कि हमने 900 गायें भेज दी हैं, टोटल 450 गायें गई हैं, क्योंकि जो समालखा में बेसारा गौन चिकित्सालय उसने ठेका लिया हुआ, लेकिन उसके काम ना करने के दौरान हमारी संस्था ने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवा था। ये लापरवाही से हो रहा है इसका मतलब? संसाधन सरकार के हैं, भेज हम लोग रहे थे कि ताकि हादसे ना हो, लेकिन प्रशासन का इसकी तरफ, नगर निगम का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है।